आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग हो गया सर्वशक्तिमान। अगर की ये गलती तो आप भी जा सकते हैं जेल। किन किन नियमों पर रहेगी पाबंदी, जान लीजिए सारे नियम। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसके तहत देश भर में अभियान चलाकर सियासी दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतार लिए जाएंगे। यही नहीं, सरकारी योजनाओं के होर्डिंग भी उतार दिए जाएंगे। आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी सीधे चुनाव आयोग को की जा सकती है। आयोग तेज रफ्तार से इस पर कार्रवाई करेगा। बता दें कि जहां एक तरफ आचार संहिता को लेकर लोगों में जानकारी की कमी का फायदा उठाकर सरकारी अधिकारी काम करने से इनकार कर देते हैं, वहीं लोगों में भी ये गलत धारणा है कि आचार संहिता सिर्फ राजनीतिक दलों और नेताओं पर लागू होती है। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे? पहला, सरकारी ऐलानों पर बैन। चुनाव पैनल के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव का ऐलान होने के बाद मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने से रोक लगा दी जाती है। सिविल सेवकों को छोड़कर सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर शिलान्यास करने या किसी भी प्रकार की परियोजना या योजना को शुरू करने पर रोक। इस दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि से संबंधित वादे भी नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा, अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती सरकार। केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आचार संहिता में सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी का कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती। अगर किसी अधिकारी ट्रांसफर या पोस्टिंग जरूरी भी हो तो आयोग की अनुमति लेनी होगी। तीसरा, सरकारी पैसे का नहीं कर सकते इस्तेमाल। आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जनसंपर्क के लिए नहीं किया जाता है। अगर पहले से ही ऐसे विज्ञापन चल रहे हैं तो उन्हें हटा लिए जाएंगे। किसी भी तरह की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं हो सकता। अगर पहले से ही कोई काम शुरू है तो वो जारी रहेगा। अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई तो ऐसे वक्त में सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। चौथा, प्रचार प्रसार से जुड़े नियमों और प्रतिबंध। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता। प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी। किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर कोई भी रैली होनी है तो सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं होगी। इन मामलों में आम आदमी को भी हो सकती है जेल। अगर कोई आम आदमी भी इन तमाम नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उस पर भी आदर्श आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़े हैं तो आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा। अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों के खिलाफ काम करने के लिए कहता है तो आप उसे आचार संहिता के बारे में बताकर ऐसा करने से इनकार कर सकते हैं। अगर आपने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी काम किया तो आपके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर मामलों में आपको हिरासत में ले लिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार मतदाताओं को लुभाने वाली कोई भी घोषणा नहीं कर सकती है। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। बता दें कि आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए नियम है जिसका पालन हर पार्टी और हर प्रत्याशी को करना जरूरी होता है। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है।
एफआईआर दर्ज कराने के बाद उम्मीदवार को जेल भी भेजा जा सकता है। आचार संहिता के नियमों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे की खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।